ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लेके आया हूँ जंगली पौधा जिसे हम अंजीर के नाम से जानते हैं। पिक्चर तो सब इसकी दिखाते हैं लेकिन गुण जो गुलर जाति का अंजीर होता है उसके बताते हैं, और मैंने बहुत दूर तक देखा है वो जो गुलर जाति के अंजीर होते हैं मीठे नहीं लगते हैं, पानी की तरह लगते हैं। और जो अंजीर आता है तो विदेश से आता है या फिर गुलर को सुखा करके बनाया जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं हम इस रियल वास्तविक अंजीर जो कि जंगलों में पाया जाता है या आजकल लोग घरों में लगाने पड़े हैं, वेबसाइट पे भी इसके पौधे बिकने लगे हैं, तो इस अंजीर की बात करूँगा। ये देखिए ये अंजीर है, देखिए कितना रसदार है ये। और किसी किसी अंजीर में कीड़े होते हैं लेकिन इसमें कीड़े नहीं है, मैं आपको दिखाऊं। इसके फल के अंदर जो बीज है ये छिक्कल है सब बहुत ही फायदेमंद होता है और मीठा भी बहुत है स्वाद में, क्योंकि नेचुरली रूप से प्राकृतिक रूप से हुआ हुआ है तो इसके गुण भी भरपूर होंगे। तो आप ये देख रहे होंगे इसके ये फल, इसका पेड़ 10 फीट ऊंचा होता है, ये 3-4 फीट भी हो जाता है जंगलों में, पानी की स्थिति और जलवायु बाकी भूमि में कितनी नमी इस पर डिपेंड करता है। जब ये पत्ते आपको दिखा दूं पहले मैं, ये देखिए पत्ते इसके बड़े शानदार लगते हैं और जब फलता है तो भी बड़ा शानदार लगता है। देखिए फला हुआ पेड़ है, आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे, और जिसमें हरे हरे फल आ रहे हैं अंजीर है, और इसकी सब्जी भी बनती है कच्चे फलों की। और ये चीड़ वृक्ष में ही आता है जैसे बरगद पाकड़ गुलर पीपल उन्हीं कैटेगरी का है, और इसके जो चीड़ वृक्ष के उपयोग है वो सारे हमें मिलते हैं। साथ में ये बहुत ही पौष्टिक है, इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम ओमेगा 3 ओमेगा 6 फाइबर तो है ही है भरपूर, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें शुगर यानी कि मिठास मिलता है ग्लूकोज, तो उसके लिए हम इसे खा सकते हैं। और ये हमारे जंगलों में जब हम लोग बचपन से खाते आए हैं, वो लोग जाते थे तो इसके फल को खाते थे, ढूंढ ढूंढ के अपनी भूख और प्यास मिटाते थे क्योंकि इसमें पानी भी भरपूर भरा होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखेंगे दोबारा से, तो ये जल की भी पूर्ति करता है और एक समझिए कि बहुत ही अच्छा शीतल ठंडक शरीर को देने वाला है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पकते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में जो भी फल पकेगा वो ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही उपयुक्त होता है। बाकी मैं इसके रसायन के बारे में नहीं जाऊँगा। तो ये देखिए इससे पानी की भी पूर्ति होगी और मिनरल्स की भी पूर्ति होगी। ये खाया दूसरा, भाई मैं सारे तोड़ ले जाऊँगा जितने यहाँ पक रहे हैं बच्चों के लिए। और ये देखिए पकने के बाद काला होगा, थोड़ा पका होगा तो पर्पल कलर का होता चल जाएगा, पूर्ण पकने के बाद ये ब्लैक कलर में हो जाता है, ये आप देखेंगे तो ऐसे रहेगा। इसके बहुत ही लाभ हैं जिनको शुक्राणु की कमी होती है, बीरे में शुक्राणु की संख्या कम है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हम लोग बाज़ार का खाते हैं उससे कुछ होता नहीं ज़्यादा लाभ, लेकिन ये वाली अगर मिल जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ ही मेरा यहाँ आप लोगों का इसका जंगली जो अंजीर है या जो मेन अंजीर है उसका पहचान कराना था, बाकी इसके गुण में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जब भी आऊँगा अभी तब तक आप लोग इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।